गुड इवनिंग एवरीवन, स्मिता एंड स्वागतिका। हाय मधुरी, कन्फर्म करो ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक अच्छे ना नहीं, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। एंड आज क्लास रे बहुत किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जिन जानवर अच्छे जोटि मैंने देखा आम कौन आम पार्लियामेंट बहुत किसी प्रोसीडिंग्स देखा। गुड इवनिंग सर, टुडे माय फर्स्ट क्लास। सुज्ञानी जेना कहते सर मोर आज फर्स्ट क्लास। मुझे जिनसटा समस्त कह भी फर्स्ट क्लास जदि आज क्लास बुझी न हो देन प्रीवियस क्लासेस देख। ओके प्रीवियस क्लासेस देख, जदि तापर भी किसी असुविधा होती मत तुम जन पार नंबर तो ग्रुप पाइज समस्ते। ओके तो एनसीईआरटी क्लास हम ये कर बेसिक जिनस कवर कर तो बेसिक जिनस देखुं मैंने आम कौन देखुं सब्जेक्ट कौन जानी हम सब्जेक्ट हूँ पॉलिटी एनसीईआरटी। ओके क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 जोटा कि आम लेजिस्लेचर पढ़ुं। ओके लेजिस्लेचर कथी आम पढ़ुं फाइन। सो एमें देखा चलो एमें देखा जाए कौन कौन पढ़ुं। मुझे क्विक गोटे ओवरव्यू देदेगी एंड आज क्लास कौटू स्टार्ट हे ता विषय भी मुझे कहीदे जेहतु जे फास्ट पिला अच्छा एंड आगुरी भी जो पढ़ी थे कौन जो टच भी छाड़ी थी तेल से जिस जापारे तो फास्ट अफ अल्ल ये जान आम गवर्नमेंट। ओके आम जो आम कहते आमर गवर्नमेंट चलने कौन कौन दरकार। ओके आम गवर्नमेंट मेन तीन टाइम अर्गान अच्छे। ओके तीनटा अर्गान अच्छे तीनटा अर्गान गोटे अर्गान हूँ लेजिस्लेचर, गोटे हूँ एक्जिक्यूटिव, गोटे हूँ जुडिशियरी। यही तीनटा बिना गवर्नमेंट चलवाटा कौटी ना कौटी असंभव। केमी देख जड़े ल बनैले सीना से ल को कम लगा आम कौन कौन ल कौन कहे नियम कौन कहे नियम को जी बनाए आम कौन कहते लेजिस्लेचर कहते हैं किए गोटे एग्जाम्पल जो मुझे देवी एमएलएज एंड एमपीज। ओके एग्जीक्यूटिव से ल को जी कम लगे से ल को किए कम लगे से ल को कम लगे किए आम मिनिस्टर्स मैंने एंड ब्यूरोक्रेट मैंने। ओके मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट मैंने एट द सेम टाइम जदि एम भाई कई किसी भूल कले चेक किए करेंगे जुडिशियरी जो मानक आम जज कह जज। ओके बुझीगला टोटल स्टोरी ये बुझीपार जुडिशियरी कौन एक्जिक्यूटिव कौन लेजिस्लेटिव कौन तीन टाक जिस बुझीगले आम आगू कौन पढ़ी सारी आम आगू पढ़ी सारी एक्जिक्यूटिव लास्ट चैप्टर आम कौन पढ़े एक्जिक्यूटिव पढ़ी सारी यही चैप्टर आम कौन पढ़ुं ये चैप्टर आम पढ़ुं लेजिस्लेचर पढ़ुं। ओके एंड अपकमिंग चैप्टर जोटा रहा है चैप्टर आम कौन पढ़ा अपकमिंग चैप्टर आम पढ़ा जुडिशियरी पढ़ा जुडिशियरी जोटी आम देखा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सब कोर्टर सिस्टम बुझा फाइन। तो ये आगू जी आगे आउ गोटे जिनस मुझे कहि आपको लेजिस्लेचर विषय आम यही चैप्टर पढ़ी सारी एक्जिक्यूटिव काटि दूसरी ये मुझे जुडिशियरी आगे पढ़ा तो चैप्टर नंबर 6 आगे रही है आम ये पढ़ुं लेजिस्लेचर। ओके पुणी कौन गोटे होगा वेट एक्जिट कर देन आम आगे कंटिन्यू करवा हाँ फाइन। आम ये क्या विषय पढ़ुं लेजिस्लेचर विषय पढ़ुं मुझे पूरा कंटेन्ट उपरको आसी जाऊँ। ओके लेजिस्लेचर उपर पढ़ुं बाद मैंने ल मेकिंग कर ल मेकिंग केतटा स्टेज रोचे मिनिस्टर इज अल्सो एंड एमएलए और एमपी। येस मिनिस्टर इज अल्सो एंड एमएलए और एमपी मिनिस्टर भी एमएलए एमपी बनी पार बट से भितर से मिनिस्टर जितेबाला एमएलए कि एमपी आम नर्माल एमएलए एमपी कथ कौन से बनी जाऊँगी लेजिस्लेचर से ही मिनिस्टर लेजिस्लेटर भी बनी पार एक्जिक्यूटिव भी बनी पार आम कंट्री सिस्टम सेमती है मुझे कहि आगे सब सिस्टम आम जी बुझीपर सब जिन। ओके तो फास्ट अफ अल तो आम ल मेकिंग प्रोसेस जो देखुं केतटा स्टेज रोचे दुईटा स्टेज ल मेकिंग प्रोसेस हो गोटे हूँ सेन्टर गोटे हूँ स्टेट। ओके सेन्टर आउ स्टेट सेन्टर में जो ल मेकिंग होबा कौन प्रकार नियम तैयारी करा हो ओके से जगटा हूँ कौन से जगटा हूँ पार्लियामेंट से जगटा हूँ पार्लियामेंट या क्या टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कौन कह जाए टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी गणतंत्र गणतंत्र मान कौन लोकों द्वारा शासन जोटा चलू ये सर नो। ओके बुझेल लोकों द्वारा जो शासन चलते आम गणतंत्र कौन आम आमको निजे शासन करें तो आम जो लोक पठाऊँ से कौट की जाऊँ पार्लियामेंट जो जाते हैं आम कौन कहते एमपी कौन मेम्बर अफ पार्लियामेंट कौन। ओके तो पार्लियामेंट क्या देखे स्टेट सेमती कौन स्टेट आम कौन कौन आसेंबली कौन। ओके स्टेट आम कौन कौन आसेंबली कौन तो यूजुअली आम दुटा जगार ना शुनी था गोटे हूँ पार्लियामेंट आ गोटे हूँ आम दु जन ना शुनी था गोटे शुनी था एमपी आ गोटे शुनी था एमएलए। ओके एमपी होची मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने यही पार्लियामेंट हाउस सेंट्रल लेवल लोक एमपी कौन स्टेट लेवल लोक एमएलए कौन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो आम ये आज कौन पढ़ुं व्हाट वी आर स्टडिंग टू नाइट आम ये आज कौन पढ़ुं आम ये कौन पढ़ुं आम पढ़ुं पार्लियामेंट पावर पार्लियामेंट के कम हुए ता मैंने
এই যে সেন্ট্রাল লেভেলের যে পার্লামেন্ট আছে সেটি কাম কেমতি হুয়ে বাকি যেটা স্টেট্রে কোণ রয়েছে এমএলএস মানে কেমতি আসছেন সেন্টারের এমপিস মানে কেমতি আসছেন সেসব জিনিস তাঙ্কর কনস্টিটুয়েন্সি তাঙ্কর ইলেকশন প্রোসেস সব জিনিস মু লাস্ট ক্লাস লাস্ট দুই তিনটা ক্লাসে পড়াই সারিছি তো আই হোপ গোটে প্রপর রিক্যাপ বনি যাই প্রিভিয়াস ক্লাসর তো মু এবে অপকমিং ক্লাসেস যাহা বি এবে ক্লাসেসরে ডিসকশন করিবি সেটি কার কিছু প্রবলেম হবনি তথাপি যদি কিছু কার স্ক্রাচরে প্রবলেম আসুচি মতে কমেন্ট সেকশনে পচারি পারিবে সমস্তে ওকে তো এবে আমি দেখিবা কা পাখু যিবা আজি আসিবা ইনস্ট্রুমেন্ট অফ পার্লামেন্টারি কন্ট্রোল ওকে পার্লামেন্টরে কাম কেমতি হুয়ে দেখ পার্লামেন্ট গোটে যেটা আমি জাঁচান পার্লামেন্টর পিকচর বি যদি সমস্ত চাহিব মু দেখিবা আমি চলা আগ পার্লামেন্টর পিকচর দেখিবা ভাল লাগিব টিকে পার্লামেন্টর পিকচর দেখিবা পাই ওকে মু এটি ক্রোম কু যাইকি পার্লামেন্ট হি সার্চ করিকি আপনাকে দেখাইবি পিকচর আনি পকাইবা কথা বট ভাবি নথিলি আনি মানে পিকচর আসিব বলি এটি মু পার্লামেন্ট দেখাই হি দউছে সমস্ত দেখি নিও কোঠি আমার ল মেকিং হউছি ওকে পার্লামেন্ট দেখো पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एटा होचे हमर कोन एटा होचे हमर पार्लियामेंट ओके एटा होचे हमर पार्लियामेंट फाइन एटा एबे का पार्लियामेंट होचे एटा ओके यार दीटा हाउस होचे गोटे अपर हाउस होचे गोटे लोअर हाउस होचे मु जदि नेक्स्ट करबि ताले नेक्स्ट रे एमती पिक्चर ता पार्लियामेंट रो आसीबो ओके एमती पिक्चर ता पार्लियामेंट रो आसीबो तो मु जदि कोन करचो एठी न्यू पार्लियामेंट देखौचे ओके नुवा पार्लियामेंट बनुचे काहे कि नुवा पार्लियामेंट बनुचे से कथा भी मु कहितली ओके न्यू पार्लियामेंट देखो नुवा पार्लियामेंट रा इमेज देखो टिके एटा एबे बहुत ट्रेंड रे चली केबे केही ना केही केबे ना केबे ए जिनस देखि थिबे देख चंद्र ना मते को ओके को ए पिक्चर ता देखि थिबो समस्त आसी जा आसी गला ए पिक्चर समस्त देखि थिबे नि आते टिक्के मते हेजी देखा जाउ छी बट आई थिंक समस्त को पिक्चर फोन रे क्लियर देखा जाउ थबो जो मन को देखा जाउ छी यस नो मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जणे दियो ओके एटा ओटे पिक्चर तापर तार बहुत डिजाइन भी अछि देखो एमते पर इंटरनेशनल लेवल रे हमर डी बनिया को जाउ छी हमर पार्लियामेंट बनिया को जाउ छी ओके इंटरनेशनल लेवल पार्लियामेंट बनिया जाऊँ समय के छा पचीस है ओके क्लास सर जी आज आम चैप्टरटा सारे के सुंदर देखा जाऊँ तो हम कौन कथ आसूँ यही भितर बस लोक केमी जिनसटा को हैंडल करपोर्टाट हूँ सहीटा जीवा कंटेन्ट को चलो आम ओके चलो हाँ ये देख तो इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ पार्लियामेंटरी कंट्रोल पार्लियामेंट केमी सब जिन कंट्रोल करसवा मुझे डायरेक्टली आम आज कंटेन्ट देखा तो लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंटरी सिस्टम आम जो देखा एम पाखे से पावर दिखाई जीक पावर से कंट्रोल करेंगे पूरा देश को चार पाँचटा पावर कथा मुझे कहूँ गोटे पावर हूँ डेलीवरेशन एंड डिस्कसन मुझ सब पॉइंट को भलसे डिस्कसन आम कर ओके देन सेकेंड आप्रुवाल और रिफ्यूजाल अफ लज फाइनेंशियल कंट्रोल नो कन्फिडेन्स मोशन प्रथम आम देखा डेलीवरेशन मेथड ओके प्रथम आम कौन देखा डेलीवरेशन मेथड जो मैंने एक्जिक्यूटिव चैप्टर पढ़ी थे से जिनसा आगे कनेक्ट हो पार सॉरी सॉरी देन जो ल मेकिंग प्रोसेस हुए ओके ल मेकिंग जो प्रोसेस हुए से सर घर केते दिन लास्टिंग कर भेजाल दुनिया रे भेजाल दुनिया ना एक्चुअली पुराना जो पार्लियामेंट था से किए बन कहल एबे जस्ट जीव आगे नाटा अच्छे भूलीगली तार गोटे एरिया गोटे भी ना थाए जदि कह मन पड़े मत नाटा कह रईट जी बन पुराना पार्लियामेंट को से फरेनर जो ब्रिटिश ब्रिटिशर जन ही बनाई मैंने ब्रिटिश अमल ही बनाई बिफोर इंडिपेंडेंस ही बनाई ओके तो सी हिसाब से बनई स्ट्रेंथ मैंने से बनी आज जाके से पार्लियामेंट चली ओके से बनी आज जाके पार्लियामेंट चलती इवन इफ से पत्थर भी खसुच्छे ओके पत्थर भी खसुच्छे फर्चुनेटली कौन लोक आज जाए मृत्यु होनी बट पुणी नुआ पार्लियामेंट बना हो तो आम एवं कंटेन्ट को आसवा डेलीवरेशन एंड डिस्कसन डेलीवरेशन डिस्कसन कहे कौन जो ल मेकिंग चलू किसी गोटे ल जब बनब आम कंट्री में ताल से ल को डिस्कस तो करके जदि मोदी जी मन इच्छा कहे लटा मुझे चाहूँगी मो मो भाईर पर सुविधा हे कि आदानी कि अंबानी सुविधा हे तो मन इच्छा सी आनी पारे कि ना ताकू फेस कराया पड़ो क्या पार्लियामेंट को फेस कराया पड़ो पार्लियामेंट मेंबर्स मैंने से बिल को डिस्कस करेंगे डेलीवरेट करेंगे मैंने भितर कौन कौन भूल अच्छी कौन ठीक अच्छे खामिया खोजे ओके से जिन कह जदि एक्जिक्यूटिव एम किसी जिन आँ इम्प्लीमेंट करा चाहूँगी जमीक प्राइम मिनिस्टर हाँ हाँ येस येस एडविन लुटियन येस लुटियन डेली कह जाए ओके एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट येस 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 एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट से कहा जाए ना दिल्ली में जो मैंने पोस्ट एरिया मैंने कहीपर जो मैंने टी हाई क्लास एरिया कह जाए लुटियंस दिल्ली कह जाए लुटियंस दिल्ली कहे लुटियंस जो जगह गुड़ा बनई तार आर्किटेक्चर से लुटियन एडविन लुटियन ना तार गोटे आर्किटेक्चर किसी जगह अच्छी नाइट से जगह गुड़ा से बनई से जो मैंने रिच क्लास लोक थे से लोक बनई
ভাব পার্লামেন্ট যদি সেই সময় বনাইছিল তাহলে সে লোকর কেতে পাওয়া মানে রিচ ক্লাস লোক কোন জিনিস সে বনাও নথিব অফকোর্স সেমতি হি জিনিস কুয়া যায় লুটিয়ান্স দিল্লি সার্চ করদেব তোমাকে নিহাতি সার্চ কলে আসিযিব আর এটা গোটে স্যাটায়ার ওয়ে বি ইউজ করা যায় ওকে চিন্তামণি কৌছন্তি স্টোন ইজ অলসো হ্যাঁ হেজিটেট বিফোর ফলিং ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହେଜିଟେଟ୍ ଓକେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଜିଟେଟ୍ ତ କଲା ବୋଲି କେହି ଲୋକ ମରି ନାହାନ୍ତି କେହି ଗୋଟେ ଏମିତି ମରିଥିଲେ ସେମାନେ ସାଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଯାଇକି ଏତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି ଚାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆସିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ମୋଦି କିଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ କିମ୍ବା ଅମ୍ବାନୀକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ତ ଆଣିପାରିବେନି ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନୁହଁ ସେ ତାଙ୍କ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଦେଖ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଏ ହେଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସିଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିଏ ବି ଏଠି ମୁଣ୍ଡି ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଦେନ୍ ତାର କାଟି ଦିଆଯିବ ଓକେ ନଖରାକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ଫାଇନ୍ ନଖରାକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ନା ହଁ ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଉପରକୁ ଯାଇ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦେଖାଯାଉନି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଧରିବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ ପିକ୍ଚର୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଲିଅରଲି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ଇନ୍ 1921 ୟେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ଇନ୍ 1921 ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ରେ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମାନେ ଡେଲି ଟାଇମିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହନ୍ତି ଡେଲି ଟାଇମିଂରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଦୁଇଟା ହାଉସ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭା ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ତ ସବୁ ହାଉସ୍ରେ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 11ଟା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ମସ୍ତ କରିକି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବେ କେଉଁଠିକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ ଓକେ ମୁଁ ଯାଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ସେଠି ମାନେ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଥାଏ ଆରାମସେ ସେ ଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଦେବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଭିତରକୁ ଯିବେ କେତେବେଳେ 11ଟା ବେଳେ ଓକେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ନା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତ 11ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଫାଇନ୍ 11ଟାରୁ 12 ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମିଂ ତାକୁ ରହୁଛି ନା ଏଇ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମିଂଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ଓକେ ମାନେ ଏଇ ଘଣ୍ଟେରେ ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କାହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ତିଆରି ହେବାର ଥିଲା କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଓକେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ 4,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ରୋଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି କେତେ ବାଟ ଗଲା ଆଉ ତା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ରାସ୍ତା ସରିବ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାରଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାରଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାରରେ କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଜାଣୁଛ ତ ମିନିଷ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତ ମୋତେ କୁହ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପାୱାର ଏଠି ହେଲା ନା ନାହିଁ ଡେଲିଭରେଟ୍ ଆଉ ଡେଲିଭରେସନ୍ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ଟାଇମ୍ରେ ନା ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ଆୱାରଟା ନା ବହୁତ ରସ୍ ଥାଏ ଓକେ ବହୁତ ରସ୍ ଥାଏ ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଥାନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କିଏ କହେ ମୁଁ ଚାଲିରୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଯିବି ଓକେ ତା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କୁହାଯାଏ କିଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି କିଏ ଯାଇକି ସ୍ପିକର୍ର ଚେୟାର ଆଗରେ ଜିନିଷ ହାତ ବାଡ଼ଉଥିବ ଓକେ କିଏ ଯାଇକି ଚେୟାର ଆଗରେ ହାତ ବାଡ଼ଉଥିବ କାହିଁକି 4,00,000 କୋଟି ନିଆଗଲା ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଇଛି ଓକେ ମାନେ କାହିଁକି ବର୍ଷକର କାମକୁ 4 ବର୍ଷ କରାଗଲାଣି ଜଣେ ଯାଇକି ଚେୟାର ଆଗରେ ବାଡ଼ଉଛି କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ନେସେସରି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ ଆଗରୁ କୁହାହେଇଥିବ ଯେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହେବ ଓକେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହେବ ତୁମେ ବର୍ଷେ ହେଇନି ତୁମେ ଯାଇକି ଚେୟାର ଆଗରେ ହାତ ବାଡ଼ୁଥିବ ମୁଁ ଆମେ ଏଠି ବସିବୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ କରୁନି ବହୁତ କିଛି ହୁଏ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ବି ହୁଏ ଭୁଲ ଜିନିଷ ବି ହୁଏ ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର କଥା କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଏ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଲାଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦୋଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଲାଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦୋଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅନ୍ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଇଏ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଟାଇପ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନ୍ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ରାଇଟିଂରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭର୍ବାଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣେ ପଚାରି ପାରିବ ତାର ବି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାପଚରି ହେବ ରାଜ୍ୟସଭାର ଆଉ ଲୋକସଭାର ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଜିରୋ ଆୱାର ଜିରୋ ଆୱାର କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଏଇନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନୁଭବ ମହାନିଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଫଲୋ କରେ ବେଳେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଜଣେ ଏମ୍ପି ଓକେ ୟୁଜୁଆଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବେଳେବେଳେ ଦେଖେ ସେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରୁଥିଲେ ଓକେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି
ओके ए जगह को ट्रेन पहुंची पारिनी आ कहीं पहुंची पारिनी एत दिन हो गला पहुंचा कथ से सब जिनको नहीं डिस्कसन करुते तो एमती सब जिन जोटा कि जो एमपी मानक इंपोर्टेंट लगे धरा जाए मुझे मो एरिया एमपी मत लगुच मोपाई ये जिनसा हूँ इंपोर्टेंट तो मुझे कौन करी जीरो आवर टाइम से क्वेश्चन उठाई पारि बुझेगा जीरो आवर टाइम क्वेश्चन उठे पारि एगारटू बारटा घंटे कम कले झगड़ा झाटी कले पाटन है बारटू गोटे कौन कले जीरो आवर टाइम जहाँ लगे इंपोर्टेंट से क्वेश्चन पचरा पचरी कले लगू लगे भोक लाट साहे बुढ़ा ना ओके ओके तो गोटे दुटा कौन करेंगे लंच खाई तो आसी ना सका बड़ा दुखर रोचे एमपी मैंने तो गोटे दुटा जाए कौन करेंगे लंच करेंगे जस्ट फर फन कहे ड्यू रेस्पेक्ट बहुत जन भल एमपीज भी अच्छा ओके बहुत जन भल एमपीज भी अच्छा कौन जिन पूरा टोटाल डार्क सैड न थाए तुम जो किसी भी मुझे जिन क्रिटिसाइज करोसी जिनस को लेकिन तो फन पर्पज्रे हिं करुचे ओके बस बहुत ठीक ठाक जिनस भी थाए जिनस को लेकिन फाइन तो गोटे दुटा हूँ कौन आम लंच टाइम देन दीटारू नहीं कि छटा जाके जो आसवे खाई जोटा घुमेवा टाइम ओके जोटा खाई घुमेवा टाइम से ही समय कौन हम गवर्नमेंट बिजनेस कौन लेजिस्लेटिव बिजनेस कौन से सब जिन डिस्कसन हम बिल डिस्कसन हम बिल मैंने पास कराया ट्राए करो को टाइम दुईटार छटा टाइम दुईटार तीनटा तीनटार चार्टा चार्टार पाँचटा पाँचटा जाके राज्यसभा चलो छटा जाके लोकसभा चलो ओके पाँचटा जाके राज्यसभा चलो छटा जाके लोकसभा चलो जब मन रखी पार केमती रख मैंने लोकसभा हूँ गोटे इंपोर्टेंट हाउस कहीं डायरेक्टली लोक मैंने चूज करके पठाउं रिप्रेजेंटेटिव मानक ओके राज्यसभा एमती गोटे हाउस जोटी की राज्य मानक रिप्रेजेंटेटिव जाऊँगी तो जोटि की डायरेक्टली लोक इलेक्ट करके पठाउं से हाउसटा टी अधिक टाइम पर कौन करम कर बुझीगला एति जिन बुझीपारे पार्लियामेंट कौन कौन हुए फाइन तो ये बेसिक जिन एनसीएटर एक बेसिक जिन तो से जिन देख ये लिखाई कौन कौन आवर द क्वेश्चन आवर व्हिच इज हेल्ड एवरी डे ड्यूरींग द सेशन अफ द पार्लियामेंट वेयर द मिनिस्टर्स हैव टू रेस्पॉन्ड टू सर्चिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर मेंबर माने जहाँ क्वेश्चन करेंगे से क्वेश्चन तक आंसर देवाक पड़ो जीरो आवर कौन लिखाई वेयर द मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज इंपोर्टेंट दो द मिनिस्टर आर नॉट बाउंड टू रिप्लाय जोटा क्वेश्चन आवर में बाध्य से रिप्लाय देवाक जीरो आवर में रिप्लाय नदे भी चलो बुझेगा क्वेश्चन आवर हूँ एगारटू बारटा जीरो आवर हूँ बारटू गोटे राइट देन आउ कौन कौन एमती जिनस अच्छी जोटी की पार्लियामेंट जिनस को चेक एंड बैलेंस कर पार आवर एमएलएज एंड एमपीज आर हैविंग ओनली टू साइड वन इज द मोस्ट डार्क एंड नेक्स्ट इज द डार्क साइड ओके ठीक अच्छे के डिस्कसन करेंगे आम आगे जाते विचार करवा विषय देन आसा कौन देख हाफ आन आवर सेसन हाफ आन आवर डिस्कसन कहे कौन एटा भी गोटे आम सेसन रोज जोटी की पब्लिक इंपोर्टेंस मैटर को डिस्कसन कराए देन आसला मोशन आडजमेंट मोशन मोशन कहे कौन गोटे प्रपोजाल एमती बहुत गुटे प्रपोजाल अच्छी ना जो प्रपोजाल को आणिकी पार्लियामेंट कंट्रोल कर एक्जिक्यूटिव को देख पार्लियामेंटर जहाँ तो लॉ मेकिंग काम तार मेन काम हूँ एक्जिक्यूटिव जब किसी भूल काम करुच्छे जो मैंने लॉ इंप्लीमेंट करते किसी भूल काम करके चेक एंड बैलेंस रखापी काम क्लियर ओके देन ये देखिले मैंने हाँ तो परहाप्स द क्वेश्चन आवर इज द मोस्ट इफेक्टिव देख से लिखा भी है कौटा सब अधिक इंपोर्टेंट Perhaps the question hour is the most effective method of the keeping vigil on the executive and the administrative agencies of the government. Executive ho kima administration ho. Executive re ki aschi amar ministers mane aschanti, administration re bureaucrats mane aschanti. E manaku check kariba kama kouthi hei paribo mate ko question hour re hei paribo. Pachara jibo je ei district re ei mane case ta heitla, criminal case ta heitla. Ta pare kono stance neya gala. Okay? तो किसी भी पार्टी सीटा सब इफेक्टिव यहाँ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो तुम देखो ना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव सोन ग्रेट इंटरेस्ट राइट बहुत इंटरेस्ट लोक मैंने पार्लियामेंट यही टाइम टाइम गोटे टाइम जो टाइम कि क्रिटिसाइज करके जो टाइम क्रिटिसाइज करमती तुम कह कौन हम जमीक मझे निर्मला सीतारमण कही पिज प्राइस बढ़ुच्छी जब आम तो पिज खाऊन आम टेनसन नवर कौन अच्छी तो एमतीया सब स्टेटमेंट आसो मिनिस्टर्स मन पाखु यही टाइम भल स्टेटमेंट भी आसो आंसर भी आसो बट स्टेटमेंट खराब भी आसो तो स्टेटमेंट जो खराब आसूँ प्रोब्लेम कौन हम प्रोब्लेम हम जमी कौन प्राइस रईज के फुड ग्रेन केमती मैंने मिलूनी कहीं गोटे जगह आट्रोसीटी मानने लोअर सेक्शन लोक कहीं प्रोब्लेम हो कहीं दरा चकटा होगा ब्लाक मार्केटिंग लोक जिन कहीं लुचे बिक्री करमती सब क्वेश्चन पचारापना मेम्बर्स मानक अपरच्युनिटी मिल जाए जो लोक मैंने जो एमपीज मैंने था अपसनटा मिल जाए ओके द डिस्कशन ड्यूरिंग यही समय प्रोब्लेम आउ कौन हुए ए क्वेश्चन आवर टाइम एत रागिक डिस्कसन हुए राइट गवर्नमेंट से सब कौन करते हैं बाड़ा टेबुल बाड़ा बस ओके गोटे पार्टी कहला ये गोटे पार्टी पचार क्वेश्चन से टेबुल बाड़े आर पार्टी आंसर देखो अलग पार्टी टेबुल बाड़े राइट सपोर्ट करने से टेबुल बाड़ा ताली मारत सब सिस्टम थाए जदि कहीं देख लाइव आम पार्लियामेंट लाइव तुम जापर तो एत हिटेड आर्गुमेंट हो जाए इंटरेस्टिंग एत थाएँ इंटरेस्ट देखा एमपीज मैंने तो से भितर हुए कौन देख जिन लिखाई बहुत हाई वॉइस रे लोक मैंने कौन करते पीस दिखती
बाहर की चली जाती राइट वाक टू द वेल ओके एंड वाक आउट करि नंती प्रोटेस्ट आंदोलन करि को नाही आमे चलिबो नाही नाही ए जिंस चलिबो नाही मोदी जी को सरकार चलिबो नाही मोदी जी रिजाइन करंतु आमे जीव एटू बाहर जाउछु ए हाउस आमे चलिया बदु ने प्रॉब्लम कोन होए देखो जहां भी तमे करछो लोकन को टाइम खाउछो लोकंर कौन कर लोक ही पार्लियामेंट रे जहाँ भी डेवलपमेंटल काम हवा कथा से जिनस को वेस्ट कर तो पार्लियामेंटर टाइम वेस्ट माने लोकंर टाइम वेस्ट डायरेक्टली लोकंर वेस्ट तो क्वेश्चन आवर रे सब जिनसा हुए देख से जिन लिखाई राइट तो देख दिस रिजल्ट्स इन कंसीडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेचर टाइम ये सुनो ये दिस रिजल्ट्स इन द कंसीडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम तम कौन लॉ मेकिंग टाइम बहुत किसी मानते लॉस हुए ये सुनो considerable loss of legislative time. At the same time, we must remember that many of these actions are political techniques to gain concession from the government. बहुत time रे opposition कौन करे बहुत pressure पकाए government ऊपर है. ए जिन सबको नहीं की, right? ए जिन सबको नहीं की जो accountability जेमती बढ़ी हुआ government रहा. Government randomly किसी कोरी पेरी बने. याने defense minister मानो इच्छा thousands of crores तो दी खर्चा कर दिले, lakhs of crores तो दी खर्चा कर दिले, then He'll have to answer all those questions will be asked by the parliamentarian. जे कहीं भी parliamentarian जहाँ भी किसी question पूछारी regarding the expenses with the defence sector, the defence minister will have to reply all those questions. Okay? बुझला? इतनी दिन साइटिंग हमें बुझी पाले? So एडी कोर्ट ना कोर्ट accountability बढ़ो ची. राइट अकाउंटेबिलिटी बढ़ू देन कौन आसूसी देन पार्लियामेंट कौन कर जो मैंने क्लास में प्रेजेंट अच्छे टी हाई हेलो जन दिव्य कमेंट सेक्शन में आज टी अधिक पिला क्लास में प्रेजेंट अच्छे मुझे जानी को मैंने अच्छा ना आ पढ़ापढ़ी केमती चलती टी कमेंट सेक्शन में जनाव समस्त तो अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज प्रथम कथा तो कमी अकाउंटेबिलिटी कथ पड़े आसा सेकेंड कथ हूँ पार्लियामेंट ये रेटिफाई कर लॉ को जो रेटिफाई कराँ रेटिफाई कल कौन प्रॉपर फाइनल अप्रूवल दिया लॉ को जो फाइनल अप्रूवल दिया देख लिखाई ए बिल कैन बी ए लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट मु लास्ट क्लास रे कौन पढ़ी थी बिल आइदर हाउस रु गोटे हाउस रे स्टार्ट हुए से बिल जो स्टार्ट है से बिल को कौन करा जाए कमिटी पाखक पठा जाए कमिटी ताकू कौन कर किसी एक्स्ट्रा जिनस चेक करके रिपोर्ट देकी कौन कर पठेद पुणी थे हाउस को आइदर से रिपोर्ट आसला बेलू लोक मैंने किसी इनपुट देते ओके आइदर लोक मैंने किसी इनपुट देते जदि भी ने न देते से डायरेक्टली हाउस को आसो लोकसभा धरा जाऊ बिलटा स्टार्ट होते तो लोकसभा कहला ठीक अच्छी कमिटी दे सारे तो आपको आम पास करवा लोकसभा पास करगला से जिन कौटी जी राज्यसभा को जी राज्यसभा बिल डिस्कसन हम जदि यहाँ नन मनी बिल हो मनी बिल स्टोरी अलग ओके मनी बिल स्टोरी अलग तापर राज्यसभा को आसो राज्यसभा कहला आम पास कर दौ से जिन प्रेसीडेट पाक बिलटा ल बनी जदि राज्यसभा न मानला तो लोकसभा राज्यसभा मिसी कौन करेंगे जॉइंट पार्लियामेंट जॉइंट सेशन बनियो पार्लियामेंट ओके कौन बन जॉइंट सेशन बनियो पार्लियामेंट आउ जॉइंट सेशन बन सारा से बिलटा पास हेपर से जीव क्या प्रेसीडेट को पाखक यूजुआली जॉइंट सेशन में बेनिफिट क्या हुए यूजुआली जॉइंट सेशन में बेनिफिट हुए क्या लोकसभा को बेनिफिट हुए कहीं नंबर संख्या अधिक थाए गेटिंग पॉइंट तो जब पार्लियामेंट नुआ पार्लियामेंट बनुची जॉइंट सेशन रे टोटल मेंबर्स काउंट करके ही बनवा ना मत कह एवं पाखापाखि 800 जन मेंबर अच्छा जॉइंट सेशन हो तो 800 जन मेंबर बसला बेलू कौन एकाठी चुंटी चुंटी बसवे ओके ओके प्रणवानंद कहते अटेंडिंग बोथ क्लास एंड मैरेज सेरेमनी एटा एटा मो पाई गोटे अचीवमेंट आम हिसाब से एजुकेटर्स मैं भाव जो तुमको से इंटरेस्टिंग आउ मैंने गोटे इंडल्जिंग लगे क्लास मैंने कौन भल लगे राइट एमतिया जिनस शुणी क्लास कराया भी मोटेसन फिल आसे ओके एमती कर चल आगू को बढ़ी चल डेडिकेशन डिटर्मिनेशन देख चल राइट मत जी खुशी लगुच से जो मैंने तुम कौन गोटे खुशी टाइम जितने एमती भी जिनस ट्राए कर जिन शिखा ट्राए कर सब जिन भी तुमको पे कर निहाती एटा श्योर राइट कष्ट कले कृष्ण मिलती एटा जो दिन तो अच्छी से सत ही अच्छे ओके चल आगक जावा आग को देखा हाँ ए बिल कैन बी ए लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ए गवर्नमेंट दैट हाज द सपोर्ट ऑफ द डिसिप्लिन मेजोरिटी मे नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर राइट तो ये जो जिनसटा ना ये जिनसा मुझे कहूँ गवर्नमेंट क्या कहूँ गवर्नमेंट पाखे जो मेजोरिटी थाए तो अप्रूवल रेटिफिकेशन किसी टेंशन नहीं ओके अप्रूवल रेटिफिकेशन किसी टेंशन नहीं तो से केस तुम जो देख रूलिंग पार्टी क्या देख कि कोअलीसन क्या देख देख ये गोटे एक्जामपल दिखाई इफ द गवर्नमेंट हाज मेजोरिटी इन लोकसभा बट इन द नॉट इन द राज्यसभा जोटा कि 1977 मसीह होता ओके आ 2000 मसीह होता तो गवर्नमेंट विल फोर्स टू मेक् सब्सटेंशियल कंसेशन टू गेन द अप्रूवल ऑफ द हाउस तो ये कौन हम धरा जाऊ मो पाखे लोकसभा नंबर्स अच्छी किंतु राज्यसभा नंबर्स ना किंतु बिल पास करें कहे कौन कराया पड़ो मत कह लोकसभा नंबर भी दरकार राज्यसभा नंबर भी दरकार तो ये कौन कराया पड़ो सब्सटेंशियल कंसेशंस
माने हमको दबा को पड़ियो माने कोन किसीटा कंसेशन दबा को पड़ियो जो जिनसोटा अपोजिशन पार्टी डिमांड करछन्ते ओके तांको संगे हमको मिसी की बिल पास करया पड़ियो किंतु मोदी जी एने का संगे मिसी की बिल तांको पास करया पड़ोनी बिकॉज़ ही हैज द नंबर्स ओके बिकॉज़ ही हैज द नंबर्स बट 1977 हो किमा 2000 हो गोटे बिल को लॉ बनाय कहले बहुत जद्दोजहद करया पड़तला व्हाई बिकॉज़ दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड नंबर इन द राज्यसभा लोकसभा नंबर है तुम गवर्नमेंट बनई दब बट गोटे बिल पास करा कहले तुमको राज्यसभा लोकसभा दुटा आगे पास करा पड़ो आगुर ना आगुर एठी भी नथिला आगुर एनडीए पाखरे बा एबे हम जोटा बीजेपी कहउछंती बीजेपी पाखरे भी राज्यसभा रा नंबर्स नथिला बट से मानता ट्रिक लगे कि बिल को पास कर दियंती कौन करेंगे झगड़ा कर देवे मझे कौन है गोटे वॉयस वोट हुए ओके वॉयस वोट किसी गोटे जब बिल पास करार थी हाथ उठाई कहे ओके हाथ उठाई कहे हाथ उठे आगुरी ना अधा लोक झगड़ा करके पलिंट बाहर को तो गोटे प्रोविजन अच्छी ओके प्रोविजन अच्छी जैसे प्रेजेंट थे अधा लोक हाथ उठेदे बिल पास हो कौन कहे सेम कर बिल पास करते आगे झगड़ा करदे अपोजिशन बाहर को बाहर गला हाथ उठे जिनको पास करदे ओके तो एमती किसी जिनस बहुत किसी मानने पार्लियामेंट्रे हुए मजामस्ती हुए ओके फन हुए ओके पार्लियामेंट जदि देखे से गोटे छोट दुनिया पाइब जो कली झगड़ा मानने बहुत किसी थाए से भितर के देखिए मजा लगे कमेडी हाउस जोटा कहते कपिल शर्मा शो भी टपिज जदि कहार पॉलिटिक्स रे इंटरेस्ट अच्छे ओके तो सी जिनसा कहु मेनी बिल सच एज लोकपाल बिल हाव फेल्ड एनाक्टमेंट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 वाज रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा माने लोकसभा कर देबो बट राज्यसभा अटके देबो फाइनेंशियल कंट्रोल भाई पैसा ही पैसा राइट दुनिया खाली पैसा ही चलने तो पैसा बिना किसी जिन पारे ओके तो फाइनेंशियल कंट्रोल आज मेनसन डालियर आम एमती आगुरी पढ़ी पैसा कथ पल मैंने ये क्या पावर पलै आसला पार्लियामेंट पाखे पलै आसला ओके आज मेनसन डालियर फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स अफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजेट ओके बजेट थ्रु सब जिन कराया पड़े फाइन तो प्रेजेंट प्रिपेरेसन हो कि प्रेजेंटेशन हो बजेट रके तो से कह रोल रोच बजेट सीना ये आम फाइनेंस मिनिस्टर मैंने आप्रोच करदे बट ताको आप्रुव करार कम कह पार्लियामेंटर काम ताको आप्रुव करा कम कह पार्लियामेंटर काम तो पार्लियामेंट कौन कर बजेट को ये आप्रुव करने आगे को बढ़ डिस्कसन जिनको नहीं कर बुझे देन आम देखा क्या पाक देखा हाँ 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 देन देखा नेक्स्ट स्लाइड कौन कौन येस गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर मे रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेस टू द गवर्नमेंट मे भी लेजिस्लेचर राजी न हो पारे यूजुअली देख यूजुअली जदि गवर्नमेंट पाखे मेजोरीटी थाए से किसी भी करमोस्ट सी ऑटोक्रेट भी बनी पार आम कंट्री पाखे से पावर अच्छी जितेबाला जाके जुडिशियरी इंटरवीन करनी आज का टाइम कौन हो जुडिशियरी कौटना कौटे जहाँ भी तुम देख ना जहाँ भी देख के गवर्नमेंट आ जुडिशियरी भितर तुम कौन फाट सृष्टि देखु नए किस दिन भितर आगे कौन थी ये ना भिडियो आम जब कहता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनी पार आम भिडियो डिस्कसन भी से जिन करवा कौटना कौटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनी पार तुम जब कौ गवर्नमेंट आ जुडिशियरी मिसिकी कम करके तुम इन्हें कह सुप्रीम कोर्ट जज मोदी जी सागर मिसी जाइंट गवर्नमेंट सागर कथबार्ता है जहाँ भी डिसीसन दौरान डिस्कसन कर तो यहाँ जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विथ प्रूफ तुमको देखा पड़े भी तुम देखे पार तुमको कोर्ट में प्रूफ कराया पड़ा तुम जाइ तुम्हें मत आसिक कह भूल कर जज अच्छी मत आसिक कह तुम्हें जे आप भूल करके भूल कर पोस्ट ओल्हां मुझ कौन करी मुझे ट्राए कर प्रूफ कराया तुम भूल कौ आमर कोई अधिकार रोच मत कह तो सेमती हाँ हुए जजेस मानक कौन प्रकार उत्तर ना तो जितेबाला जजेस मैंने प्रपर्ली आकाउंटेबल हे जिनको नहीं तो पॉलिटिशियन भी एपट सेपट कम करें बाब इंदिरा गांधी टाइम कौन है इंदिरा गांधी टाइम रे सी तीन जन सीनियर जज को सुपरसीड करके जन यंग जज को सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस बनाई देले ओके इंदिरा गांधी को टाइम रे तो जुडिशियरी इनएक्टिव हला तापर इंदिरा गांधी टाइम पर जुडिशियरी पुणी आउ थे पावर को आसला से कौन कला कह भलसे घाटिला पुणी भलसे घाटिला ना नहीं मत कह चेंज हेले सब जिन जहाँ चेंज होता है सब जिन घुंचाइले तो सही जिनटा कहु नेवरदलेस बिफोर गेटिंग मनी ऑन द लोकसभा मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजन फॉर व्हिच द गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी तो लेजिस्लेचर मानकर फाइनेंस पावर भी पलै आसला पैसा को लेकिन पावर पलै आसला इट कैन इनक्वायर इन टू द केसेस ऑफ मिसयूज अगेन 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 धरा जाऊ हेल्थ मिनिस्ट्री को 5 लाख करोड़ पैसा ग्रांट दिखाई राइट 5 लाख करोड़ पैसा दिगला हेल्थ मिनिस्ट्री ये खर्च करके राइट के डीप को जाकि समस्त भाव आज मैंने गोटे सिटीजन हिसाब से इंडिया कहवा कि गोटे नागरिक हिसाब से देखुं आम पैसा कमी खर्च हो देख तुम कौन कर टैक्स दौ लेट से तुम 10 लाख इनकम कल तुमको किसी टैक्स देवाक पड़ा से ही पैसा जी कौटी की गोटे हस्पिटाल गोटे लाइट लगे जीव हस्पिटाल स्ट्रीट लाइट मैंने लाइट्स हो कि गोटे आम कहीपर अक्सीजन बेड
ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଧରାଯାଉ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛେ କି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛେ ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ସମ୍ ଆମ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ମାସକୁ ଦେଲି କି 4 ଲକ୍ଷ ଦେଲି କେତେ ଗୋଟେ ଯାହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଭ ଥିବ ଓକେ ତ ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ଦରକାର ମୋତେ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଯାଉ ତ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ କାହିଁକିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତା ବାଟେ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଜିନିଷ କାହିଁକି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ଓକେ ସେତିକି ଜିନିଷ କାହିଁକି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିନି ତାହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ପଚାରିପାରିବେ ଯେ ସେ ଫଣ୍ଡକୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କଲ ଦେଖ ସେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୟାଗ୍ କିଏ ଚେକ୍ କରିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବେ ଓକେ ଏଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି ବି ସେ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବ ବଟ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏମ୍ ଡାଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଭିଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କର କାମ ନୁହଁ ଆଉ ବି କାମ ଅଛି ବଟ୍ ଏଟା ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ଦେନ୍ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ କଥା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ତା କାହାର ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖ ଯଦି ମୋଦିଜୀ ଏନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଭାଇ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମେଜରିଟି ସୋ କରିପାରିବି ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିବେ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆଣୁଛି 100 ଜଣ ଏମ୍ପି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଏମ୍ପି ନମ୍ବର ଦରକାର ଓକେ ତମେ ଜଣକୁ ଯଦି ଅପୋଜ୍ କରୁଛ ଧରାଯାଉ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସୁଛ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ 400 ଲୋକ ରଖିଛି ଓକେ ତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା ତମେ ଏତିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିବ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ 100ଟା ଲୋକ ତ ତମେ ଧରିକି ଆସିଥିବ ଓକେ ତ ସେମିତିଆ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆଣୁଛ ମିନିମମ୍ ତମ ପାଖରେ 100 ଜଣ ଏମ୍ପି ଥିବା ଦରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କହିବ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ମୋଦିଜୀ ମୋଦିଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମେଜରିଟି ନାହିଁ ସେ ମେଜରିଟିକି ପ୍ରୁଫ୍ କରାଅ ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଙ୍ଗାଅ ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ତ ମୋଦିଜୀ କହିବେ କି କଥା ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତାପରେ ହେବ ଭୋଟ୍ କାଉଣ୍ଟ କେତେଜଣ ଏମ୍ପି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କେତେଜଣ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ କେଉଁ ଏମ୍ପି କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଏମ୍ପି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ 273+ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ସେଇଠି 273 ସିଟ୍ସ ନ ମିଳିଲା ଦେନ୍ ମୋଦିଜୀ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଜାଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବୁଝିହେଲ ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କୁହ ମୋତେ ଓକେ ତ ଏଠି ସ୍ମିତା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ କହିଲେ ନିଡ଼ିନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଜନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲର୍ ମିନିଷ୍ଟର ବଟ୍ ଇଫ୍ ପାସ୍ଡ ତ କାଉନ୍ସିଲର୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଷ୍ଟ ରିଜାଇନ୍ ସାର୍ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ରେକ୍ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଅବିଅସ୍ କଥା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ରେକ୍ କରିବନି ଅନାସ୍ଥା କହିଲେ ସେଇଟା ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ଓକେ ହଁ ହଁ ତ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ କହିଲେ ଅନାସ୍ଥା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଧରାଯାଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନମ୍ବର୍ସ ନାହିଁ ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତ ଗଲେ ମୂଳ ପଛେଇ ଗଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗଲା ମାନେ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କାହା ଥ୍ରୁରେ ଚୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ତ ନୂଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବନିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହାରିଗଲା ଦେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଜାଇନ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ରିଜାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଜାଇନ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଜାଇନ୍ କରିବେ କାରଣ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ନୁହଁ ଟୋଟାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆମ ଦେଶ ଚାଲୁଛି ଓକେ ତ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଜାଇନ୍ କରିବେ ନୂଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିବେ ସେ ନୂଆ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚୁଜ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଓକେ ଦେନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଭାଇ ପିଏମ୍ ବୁଝିଗଲ ନା ନାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଫାଇନ୍ ତ ଏଇଟା ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ସବୁ କରିବ ଦେଖ ରାଇଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସିଓର ଏ ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକେ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଣିପାରିବ ଡର ତ ରହେ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ କାଳେ ଆସିଯିବ ଓକେ କେଉଁଠି ଆମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରି ନ ଦିଆଯାଉ ଏତେ ତ ସେ ଜିନିଷ ଆସିବ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଏଭର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଦିସ୍ ପର୍ପଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଟ୍ ଦ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଦେଖ ସେମିତି ନୁହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ହାରିଗଲେ ତାହେଲେ ହାଉସ୍କୁ ହିଁ ଖତମ କରିଦିଆଯିବ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ ନୂଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିବା ଯାକେ ନା ଇଏ ବନିବେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ କ'ଣ ମାନେ ନା ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ ରାଇଟ୍ ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରୁ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଥାଇକି ବି ନଥାଇକି ବି ସେଇ ମଝିଆ ମଝି ପୋଷ୍ଟଟା ରଖିଦିଆ ହେବ ଓକେ ମେଜର ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ କିଛି ନିଆ ହେଉଛି ଡିସିସନ୍ ନିଆ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଜ୍ କରାଯିବ ବୁଝିଲ ସେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ୱିଲିଂନେସ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅପୋଜିସନ୍ ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଷ୍ଟୋରୀ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାନି ଆମର ଆହୁରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ଓକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କମିଟିଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ କରେ
पार्लियामेंट विषय में बेसिक जिन पढ़ी सारे तापर जब लक्ष्मीकांत चैप्टर जी पढ़व लक्ष्मीकांत चैप्टर से कौन कौन पढ़े देख पार्लियामेंट में लक्ष्मीकांत चैप्टर से पढ़े लोकसभा राज्यसभा एंड लोकसभा स्पीकर रोचे ओके स्पीकर जे आम प्रिजाइड करती हाउस को जे हाउस को प्रिजाइड करती ओके जे हाउस को प्रिजाइड करती हाउस हेड जी स्पीकर कहुए स्पीकर विषय में पढ़ तुम मैंने प्रायपर स्पीकर कौट लोकसभा राज्यसभा जी चेयरमैन विषय में पढ़ पुणी ओके स्पीकर पर डेप्युटी स्पीकर थे ओके देन चेयरमैन पर वाइस चेयरमैन थे विषय में पढ़ तुम एंड एलंग विथ दैट प्राइम मिनिस्टर विषय भी सही समय पढ़ प्राइम मिनिस्टर तो अलग जगह पढ़ा हो लक्ष्मीकांत कौन कौन पढ़ मुझे देन तापर तुम सी कौन पढ़ कमिटीज पढ़ पार्लियामेंटर कमिटीज पढ़ गोटे ओके पार्लियामेंट कमिटीज पढ़ एलंग विथ दैट पार्लियामेंट चैप्टर आम हाँ ये बजेट पढ़ पार्लियामेंट चैप्टर बजेट पढ़ देन आवर्स गुड़ा पढ़ पार्लियामेंटरी सेसन पढ़ पार्लियामेंट के सेसन हुए गोटे वर्ष को पार्लियामेंट ना तीन टा सेसन काम करे बीएमडब्ल्यू सेसन गोटे बजेट सेसन गोटे मनसून सेसन गोटे विंटर सेसन माने बजेट सेसन जो स्टार्ट होते फेब्रुआरी स्टार्ट होती तुम जाच ओके बजेट सेसन टाइम रहा बजेट पर कौन होती मनसून सेसन वर्षा टाइम गोटे सेसन चले देन विंटर सेसन मझे मझे किसी छुट्टी हुए ओके मझे मझे किसी छुट्टी हुए से सब जिन भी तुम पढ़ ओके बजेट गला ये गला आ बाकी मुझे जितकी जिनस कहे से गला बाकी आम जितकी जिन पढ़ी सारे बिलीव मी 70-80% कंटेन्ट से सब बुझी जो मैंने पढ़ी के केवे लक्ष्मीकांत को मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जिनसा कनफर्म कर बुझी हेना हम जी जिन पढ़ले कह जी चैप्टर में पढ़ले राइट आउ गोटे जिन पचारि जदि कहीं भी ये लक्ष्मीकांत पढ़ी तेको के फ्रुटफुल लगुच एनसीईआरटी बहटा के फ्रुटफुल लगुच देख मुझे जितकी भी कहबी ना जितेबाला तुम निजे फिल न कर जिन फिल हेनी तो मत निहाती कमेंट सेक्शन में जना तापर आम अलग जिन डिस्कसन कर बजेट मनसून आउ विंटर येस येस तो कौन एवं आसला पार्लियामेंटरी कमिटीज कथ आसला देख पार्लियामेंटरी कमिटीज कथ कह बहुत बड़ गोटे इंपोर्टेंट फीचर ये किए प्ले कैर पार्लियामेंटरी कमिटी ए सिग्निफिकेंट फीचर अफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो कौन पार्लियामेंटरी कमिटी ओके वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पज पर बनी बहुत प्रकार लॉ मेकिंग पर्पज ये बनी ओके एंड दिस कमिटीज प्ले ए वाइटल रोल नॉट मेरली इन लॉ मेकिंग ऑफ कोर्स ये लॉ मेकिंग रे खाली नथांती यांको काम देख जेहेतु आम कंट्री आम जो देखा ओके जे पढ़ी न लक्ष्मीकांत किसी टेंशन ना खाली एनसीईआरटी पढ़ी सारे लक्ष्मीकांत पढ़ो ओके बट एवं जब कहीं पढ़ी मुझे से पचारे टेंशन नियन कि वरीड हेनी मुझे कहीं पचारी से जिन तो मुझे कहूँ जेहेतु पार्लियामेंट रे एते मेंबर अच्छा समस्त से टाइम नहीं जे हमें एत गुटे मेम्बर को लेकिन किसी गोटे जिन डिस्कसन करें कि ना ओके तो ये गोटे जिन डिस्कसन करानी तो ये गोटे जिन डिस्कसन करना करें किए डिस्कसन करें किए ताकि पार्लियामेंटरी कमिटीज पार्लियामेंटरी कमिटीज मुझे बिल पास होगा बेलू ओके तो पार्लियामेंटरी कमिटी दी प्रकार अच्छे गोटे स्टैंडिंग कमिटी अच्छी आ गए जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी अच्छी बहुत प्रकार अच्छी ओके जो स्टैंडिंग पार्लियामेंटरी कमिटी कहे कौन स्टैंडिंग पार्लियामेंटरी आडॉक कमिटी और स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमिटी आडॉक कमिटी कहे कौन आडॉक कहे जोटा कि आम धरा जाओ किसी गोटे एमती इंपोर्टेंट बिल आसला जो बिल को एबे सांगे सांगे डिस्कशन करिवा निहाती जरूरी तापाई कौन बनी थाए तापाई कौन बनी थाए तापाई आडॉक कमिटी बने टेम्पररी कमिटी बनबो से कमिटी रे 22 जन भलिया मेंबर रहबे 15 जन रु 22 जन मेंबर भेरी करिवे से माने किछि बिल आसले ताकू डिस्कस करिवे ओके एट द सेम टाइम आडॉक कमिटी आसला आडॉक कमिटी पर के आसीबो आडॉक कमिटी पर हम जो कहबा स्टैंडिंग कमिटी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी प्रति वर्ष सेमते गोटे कमिटी बनबो ओके प्रति वर्ष सेमती गोटे गोटे कमिटी बनब तो से कौन आसगले से आसगले आम कौन देख स्टैंडिंग कमिटी पलि जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी कहे कौन जॉइंट कले मिसिक जिनसा बनुच्छे देन इंपोर्टेंट हूँ कौन जे कमिटी मैंने ये इंपोर्टेंट कम देख जेहतु प्रथम कथा तो ये समय ना डिस्कसन करवाई ओके जेहतु ये डिस्कसन करवाई समय ना तो ट्राए कर सब कमिटी जिनस करवाई तुम कह सर कमिटी जब रिपोर्ट आसला रिजेक्ट कर दिया यूजुअली कमिटी को से पठाई थाए आ कमिटी में रूलींग पार्टर लोक भी था अपोजिशन पार्टी लोक भी था तो कमिटी जब गोटे जिनस डिस्कसन होती यूजुअली रिजेक्ट कराए कहीं कमिटी जब ऑलरेडी तुम पार्टी लोक किसी डिस्कसन करी मो घर लोक मो बापा जाए गोटे जगह बसिक डिस्कसन कर कि मो भाई जाए गोटे जगह बसिक डिस्कसन करके आसी चाहिए कि से जिनसा रिजेक्ट करदे ना चाहिए ना मुझे जान ली मो भाई कि मो बापा कौन कर जिनस को लेकिन किसी ना किसी डिस्कसन करेंगे तो से जिनस मुझे कहे टेम्पोरारी को आड़ कहुए तो कमिटी यूजुअली जो रिपोर्ट था मैंने मना कराएनि यूजुअल मैंने कौन कहते रिजेक्ट कराएनि बाकी टाइम कौन कराए आप्रुवाल ही कर दि जाए ओके आप्रुवाल ही कर दि जाए धन आम देखा देख सहीटा से बिल कथ कौन मैंने केमी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कौन होमती कौन से कमिटी से सब जिन चेक करे ओके तो फाइनाली हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट्स इट्सेल्फ
पार्लियामेंट निजुक निजे केमती रेगुलेट करे। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट रेगुलेट करने निज पाखे किए रखी था प्रिजाइडिंग ऑफिसर रखी था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती फाइनल लॉ अथॉरिटी एंड ये ही कौन चलती बुझे। ओके बाद आम जोटा को लोकसभा स्पीकर कौन। ओके लोकसभा स्पीकर कौन राज्यसभा चेयरमैन कौन लोकसभा स्पीकर ये अच्छे ओम बिरला अच्छा एंड राज्यसभा जब कह चेयरमैन किए अच्छे आम जी वाइस प्रेसिडेंट अच्छा एगे ना मत कमेंट सेक्शन में कह तुमने फाइन। तो यहाँ गला जिनस रेगुलेट कमी कै। ओके कार्टून वार्टून कथ तुम देख देख हाँ ये आगे गोटे जिनस मुझे अच्छी अच्छे आगे कितना जिनस अच्छे आंटी डिफेक्शन लॉ अच्छे आंटी डिफेक्शन लॉ कहे कौन धरा जाऊ तुम्हें बीजेडी पार्टी टिकेट पाइक जीति जाइ। ओके बीजेडी पार्टी टिकेट पाइक जीति जाइ बीजेडी पाखे 147 सीट रु 147 है मैंने 70 73 74 सीट दरकार। ओके बीजेडी पाखे 80 सीट अच्छे। ओके 80 सीट अच्छे तो एबे पाई तो 120 प्लस अच्छी बोधे 110 ना 120 के अच्छे मुझे रिमाइंड कर पारे तो पाखे धर जाऊ 80 सीट अच्छे लेट से एग्जाम्पल को लेकिन एने कांग्रेस हो कि बीजेपी हो कि एमती कौन गोटे पार्टी 10 जन MLA को किणवाक ट्राए कला 50-50 कोटी अकाउंट में पकई दिगला कि ब्लाक मनी पहुँचे दिगला 50-50 कोटी। ओके 50-50 कोटी अकाउंट में पकई दिगला तो 10 जन MP सांगे सांगे राजी हो कौन हाँ चेंज करने यूजुअली पैसा पत्र समस्त ध्यान तो सी चेंज हो तो प्रोब्लेम कौन हम 500 कोटी टाँपाई आम स्टेट्र गवर्नमेंट हलचल हो प्रथम कथ रईट सेकेंड कथा हूँ बीजेडी पार्टी ता गवर्नमेंट ताको भांगिया को पड़ो पुणी नुआ गवर्नमेंट चूज हम नुआ इवन नुआ इलेक्शन भी हो पाए। ओके जदि कौन जिनस किसी मैंने इलेक्शन तो यूजुअली हेनी कोआलिशन गवर्नमेंट कराब कोआलिशन गवर्नमेंट नई पाला पुणी आउ नुआ इलेक्शन हम तो बहुत किसी प्रोब्लेम बहुत किसी खर्च हम तो रैंडमली कहीं कुआडे पार्टी चेंज न करूँ बोली गोटे लॉ अच्छी पार्लियामेंट से लॉ बनई कहुए आंटी डिफेक्शन लॉ एक्चुअली हुए कौन आराम गारम एमती गोटे लोक थिला से एमपी रि MLA कि MP थी भी मुझे मन पक शुणी शुणी कौन एटा सत ही। ओके गोटे दिन से तीन टा पार्टी चेंज करदेला मैंने तीन थर पार्टी चेंज कला गोटे दिन में मानने सका सन्या भितर से तीन थर पार्टी चेंज करदेला आंटी डिफेक्शन लॉ तापर आसी भाव सका थी बीजेडी सन्या बेलू बीजेपी आउट राति बेलू तुम पुणी बीजेडी आज थी। ओके कि जाए कि कंग्रेस बस थो कहीं तुमको पैसा पर पैसा मिल चलिए तो सेमती जिनस को कंट्रोल करने पार्लियामेंट निजुक रेगुलेट करने कंट्रोल करने आंटी डिफेक्शन लॉ नहीं आस। ओके आंटी डिफेक्शन लॉ के आसला 1985 आसला आगू ना देख लिखाई से जिन एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 एंड दिस इज नोन आज आंटी डिफेक्शन लॉ। ओके एंड दिस इज नोन आज आंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 90 पुणी कौन कर चेंज करके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज कर। ओके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज करा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नंबर भी 15% कर दिया था। ओके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नंबर भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 15% कर दिया था अलोंग विद दैट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर रे आंटी डिफेक्शन लॉ को मॉडिफाई करा था। फर्स्ट टाइम पे आंटी डिफेक्शन लॉ केबे आसला 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसला बुझेल यस 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 शेड्यूल आम जब देखिए आंटी डिफेक्शन लॉ आम कौन अच्छी 10 शेड्यूल अच्छे बाकी कंटेंट को आपस्त देखने। ओके डिफेक्शन कौन देख लिखा है खाली डिफेक्शन कौन पढ़ दूँ टी से इंपोर्टेंट आम पाई व्हाट इज डिफेक्शन इफ ए मेंबर रिमेन्स आबसेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट और वोट्स अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी वॉलंटरीली लीव्स द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी इट डीम्ड एज डिफेक्शन यूजुअली ना खाली पार्टी छाड़ी डिफेक्शन कह जाए इवन इफ तुम पार्टी भितर थी तुमको कह ठीक अच्छे पार्टी छाड़बू नहीं कि आम अगेंस्ट वोट करू मैंने बीजेडी लोक कह तू बीजेडी अगेंस्ट वोट करू तो असुविधा हो तो पार्टी व्हिप गोटे थाए रईट पार्टी गोटे अर्डर थाए से अर्डर एगेन्स्ट तुम जब जाऊ से अर्डर एगेन्स्ट तुम जब जाऊ तेल भी तुमको डिफेक्शन केस रे दायर कर देख इफ ए मेंबर रिमेन्स आबसेंट बारंबार कहुई जी दिन आबसेंट रही से आबसेंट रहा इन द हाउस व्वेन आस्क बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेन्ट आसापी और वोट्स एगेन्स्ट द पार्टी पार्टी एगेन्स्ट से भोट करुँचंग विथ दैट से वॉलंटरीली मेंबरशिप छाड़ दे तो डिफेक्शन ये पलि आसला। ओके तो आंटी डिफेक्शन लॉ अंडर तुमको बुक करागला तो तुमको किसी वर्ष सस्पेंड कर दिया तुम इवन इफ तुम MLA था कि MP था तुमको पूरा सस्पेंड कर दिगला 5 वर्ष MLA MP हो तुम जहाँ भी हो वर्षे जा आंटी डिफेक्शन लॉ अंडर तुम फसीगल तेल 4 वर्ष तुम सस्पेंड आउ MLA MP तुम बनी पारे से 4 वर्ष। ओके तार अलग क्राइटेरिया भी अच्छी केत वर्ष क्राइटेरिया खाली तुम सस्पेंड हो जगह रईट एक्सपीरियंस कौन देखाई
ए जगह ना जदि मु बीजेपी रो लोक कि बीजेडी रो लोक मते पसंद नहु अलगा एमपी माने कोन कहउछन कि अलगा एमएलए माने कोन कहउछन मोदी जी कोन कहउछन मु बीजेपी लोक मु राजी होउने तो मते एटा डरे कि समान कोन करियो मो कथा राजी करे परबे ना सब जिनस रो गोटे भलो साइड अछि गोटे खराब साइड बि अछि एटा सेमती गोटे जिनस पाटे देखो से जिनस लगाय छै एक्सपीरियंस आदि जगह जहां भी कहै छी राइट पास 20 ईयर भितर पास 20 ईयर माने कोन 1985 रो तुम जो देखिबो 1985 रो 20 ईयर तनो हम 30 ईयर ही कहबे 30 टू 35 ईयर experience of the past 20 years shows that the anti defection amendment has not been able to curb defection defection ko control kari parini okay but it is given additional power to party leadership ko ye additional power dechi samastun ko se dorai ke rakhichanti baki eti last time e kaha pak ko pahunchile last time eti conclusion pak ko pahunchile conclusion mu au details re jauni I hope conclusion samaste eti nije nije padhi nebe aa mu jaha jaha eti padheli sabu conclusion re sabu jinso milichibo फाइनाली आम किसी क्वेश्चन देखा ई चैप्टर है ना बड़ बड़ क्वेश्चन ही अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन ही अच्छी शॉर्ट क्वेश्चन ना ओके शॉर्ट क्वेश्चन ना यूजुअली तो सेमती मुझे एनसेट में किसी क्वेश्चन पाँच तक पढ़ा स्टार्ट कर लिखा स्टार्ट कर फास्ट क्वेश्चन कौन पचार मुझे पढ़ीदेवी सेमता सेकंड थर्ड करके तुम समस्त पढ़ो दसटा क्वेश्चन अच्छे आलोक भावुच आलोक थिंग्स दैट ए कंट्री नीड्स एन एफिशिएंट गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल सो इफ यू सिंपली इलेक्टेड आवर प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर एंड लेफ्ट टू देम द टास्क ऑफ गवर्नमेंट वी विल नॉट नीड ए लेजिस्लेचर डू यू एग्री गिव रीजन फॉर योर आंसर आलोक भावुची राइट आलोक भावुची जे हमें आम कंट्री में कौन दरकार आम गवर्नमेंट कौन दरकार आमको आ कंट्री नीड्स एन एफिशिएंट गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर आम लोक भलपाई गवर्नमेंट गोटे दरकार तो तेणु आम सिंपली आम प्राइम मिनिस्टर को आम मिनिस्टर्स मानक चूज करदे ओके इलेक्ट करदे गवर्नमेंट चलने आमर लेजिस्लेटर दरकार ना माने एमपीज माने आमर दरकार ना कि एमएलएस माने आमर दरकार ना सॉरी एमपीज माने मु सेंट्रल लेवल कथा कहूँ मत कह कौन प्रोब्लेम हम मत कह कौन प्रोब्लेम हम तुम्हें निजे जाच आंसर कही पार कह ते यहाँ हूँ ब्रेन स्ट्रमिंग क्वेश्चन ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन पचारे अफकोर्स से मनोच्छा कम करेंगे हटे पार तुम सहजे जी बसई लेजिस्लेचर तुम बस रिप्रेजेंट कर निज निज एरिया को कहीं रिप्रेजेंट करें ओके तो से थोड़ी ना लोकों समस्त क्या भाव बसवे तो निज निज एरिया को रिप्रेजेंट कराया पड़ो इग्नोरेंट यस 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 सेकंड क्वेश्चन कौन ए क्लास वाज डिबेटिंग द मेरिट्स ऑफ बाइकैमरल सिस्टम ओके गोटे क्लास डिबेट करुला क्या बाइकैमरल सिस्टम मेरिट को नहीं द फॉलोइंग पॉइंट्स वेयर मेड ड्यूरिंग द डिस्कशन ये पॉइंट गुड़ा कहगला रीड द आर्गुमेंट एंड से इफ यू एग्री एंड डिसएग्री विथ ईच ऑफ देम गिविंग रीजन ओके सी कौन मनोच्छा कम हम ये सी कौन बाइकैमरल सिस्टम रही मेरीट्स क्या कहु डिस्कसन करते डिबेट करते तो फास्ट पॉइंट नेहा कौन बाइकैमरल लेजिस्लेचर डज नॉट सर्व एनी पर्पोज ट्रू और फॉल्स कह तुम राजी हो मैंने एग्री और डिसएग्री अग्री और डिसएग्री देन इफ एग्री देन व्हाय इफ डिसएग्री देन व्हाय ओके फास्ट पॉइंट अफकोर्स डबल डेलीवरेशन हम डिस्कसन हम गोटे जिनस डबल चेक हो बाहर तो सेटा भूल जिनस डिसएग्री मुझे फर्स्ट पॉइंट तुम मैंने कौन कौन कह सेकंड थर्ड पॉइंट तुमने कह समा आर्ग्यूड दैट एक्सपर्ट सुड बी नोमिनेटेड इन द सेकंड चैम्बर समा कहे एक्सपर्ट मान सेकंड चैम्बर को नोमिनेट करवा कथ देन त्रिदीप कहे त्रिदीप सेड दैट इफ ए कंट्री इज नॉट फेडरेशन देन देर इज नो नीड टू हाव ए सेकेंड चैम्बर फेडरेशन कहले कौन फेडरेशन कहले स्टेट मानक नहीं जो कंट्री बनता है फेडरेशन कह जाए ओके तो त्रिदीप कहे जदि गोटे कंट्री फेडरेशन ना तो सेकेंड टाइम तो दरकार ना आम इंडिया भी राज्यसभा दरकार ना तो मत कह तो तीन टाइम जिन तुम डिस्कसन करके बाकी कौन रहा आगे आज सब व्हाई कैन द लोकसभा कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव मोर इफेक्टिवली देन द राज्यसभा कहीं लोकसभा अधिका इफेक्टिवली कंट्रोल कर सब क्वेश्चन को पढ़ लेख हाफ पेज हो कि गोटे पेज हो लेख लिखे ट्राए करतापर चैप्टरटा आहरी भलसे बुझीपार तुम्हें इनडेप बुझीपार सब क्वेश्चन पर समय आम पाखे आई होप जी जिन डिस्कसन कले समस्त बुझा पड़ थी नेक्स्ट क्लास में ट्राए करुच्ची ओके बाकी जितनी एमसीक्यू जिन नहीं आसपा ये सब्जेक्ट को नहीं ये सब्जेक्ट ना कौन बेस आनालीटिकल जिनस अच्छी तो से बेस जिन आसपाली बाकी तुम पढ़ किसी प्रोब्लेम अच्छे जनइब नेक्स्ट चैप्टर आम कौन पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर आम पढ़ा जुडिशियरी ओके नेक्स्ट चैप्टर आम पढ़ा जुडिशियरी जो जुडिशियरी कि आम न्यायाधीश कथ पढ़ा एंड कोर्ट कथ पढ़ा से आहरी जिनस कौन आम क्लारिटी आसीज सो आई होप समस्त क्लास भल लगुत इंटरेस्टिंग लगुत जदि प्रोब्लम होती निहाती जनइब थैंक यू ऑल ऑफ यू दिस इज योर एजुकेटर शक्ति प्रसाद दिस इज योर प्लेटफॉर्म एजुकेशन साइनिंग ऑफ द सेशन बाय बाय जय हिंद जय ओडिशा बी हैप्पी स्प्रेड द पॉजिटिव गुड नाइट ऑल ऑफ यू टेक केयर टाटा